नमस्कार, परीक्षा मित्र के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है नागरिकता। इसके पहले अपन ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार के ऊपर मैंने क्लासेज ली है, वो लाइव क्लासेज थी। लाइव क्लासेज बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, बातचीत भी ज़्यादा हो जाती है, फिर एडिटिंग के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो मैंने ये देखा है कि अपन स्टार्ट करते हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेज में प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। और लाइव सेशन अपन रख लेंगे, जिसमें अपन MCQs का सेशन रख लेंगे, जिसमें अपन जो ट्रबल अपने को आएगी, जो प्रॉब्लम अपने को आएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व वहाँ पर कर लेंगे अपन, ठीक है। वहाँ पर अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले लेंगे, ऐसा और करने का प्रयास करूँगा मैं। तो अपन नागरिकता आज टॉपिक लेते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये जो नोट्स टाइप में मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको समझा रहा हूँ, ये एज इट इज PDF आपको एज इट इज आपको परीक्षा मित्र जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखो, नागरिकता, नागरिकता का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से ये डेवलप हुआ है नागरिकता का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, नागरिकता के बारे में यदि अपन चर्चा की बात करें कि किसने चर्चा की है, तो अपन पाते हैं कि अरस्तु और प्लेटो भी नागरिकता जैसे अवधारणा की बात करते हैं। कैसे? अरस्तु नागरिकता के बारे में कहता है कि नागरिक कौन है। तो आपको पता है कि अरस्तु एक दास प्रथा का समर्थन है, और दास जो है इनको नागरिक नहीं मानता है, दास को नागरिक नहीं मानता है, ठीक है। फिर अरस्तु किसे नागरिक मानता है? तो अरस्तु के अनुसार नागरिक हैं केवल यूनानी ही नागरिक है, और यूनानी में भी कौन? केवल पुरुष। तो केवल यूनानी पुरुष नागरिक हैं, महिलाओं को भी ये नागरिकता का अधिकार नहीं देता है। तो एथेंस ग्रीक अवधारणा है नागरिकता, अगर अपन ऐसा बोलें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ये एथेंस से हुआ, अरस्तु के टाइम से हुआ। और ये किसको नागरिकता देता है? तो ध्यान रखना कि केवल यूनानी जो पुरुष हैं वो ही नागरिक हैं, महिलाओं को नागरिकता देने की बात अरस्तु नहीं करता है। अरस्तु दास जो हैं उनको भी नागरिकता देने की बात नहीं करता है। एक टर्मिनोलॉजी आती है अरस्तु गणतंत्रवादी, जिसकी चर्चा अपन ने स्वतंत्रता के टॉपिक में भी की थी। अरस्तु गणतंत्रवादी ये क्या है? देखो, नागरिकता के संबंध में गणतंत्र का मतलब है कि जनता की सक्रिय भागीदारी। गणतंत्र का मतलब होता है जनता की या नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी का मतलब है, आपने यदि डेविड स्टर्न का आगत निर्गत सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा है तो समझ में आएगा कि जो आगत और निर्गत होते हैं उनमें जनता की सक्रिय भागीदारी, यानी डिमांड जनता करे भी, ठीक है, प्रशासन में डिमांड जाती भी है और वो निर्गत के रूप में वापस भी आती है, और आउटपुट जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आउटपुट हो, ये है आगत निर्गत। तो यदि जनता की सक्रिय भागीदारी है तो नागरिकता का कोई मतलब है, अरस्तु का ही मानना है। अब जनता की सक्रिय भागीदारी, गणतंत्रवादी जो अवधारणा है नागरिकता के संबंध में, इसकी बातें कौन कौन करता है, और विचार उनकी अपन बात करें, या स्वतंत्रता की कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ा था कि जो जो गणतंत्रवाद है उससे जुड़े हुए विचारक कौन कौन है, तो एक तो अरस्तु आ जाता है, ये पांच नाम अपन ने वहां पर पढ़े थे, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते अपन। तो गणतंत्रवाद, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि गणतंत्रवादी अवधारणा से कौन कौन जुड़े हैं, तो गणतंत्रवादी अवधारणा से एक तो अरस्तु का नाम आ गया है, रूसो, इसके पहले मेकियावली, हन्ना ओरेंट, एक और नोमार्क्सवादी विचारक है हैबरमास। ये स्वतंत्रता की गणतंत्रवादी अवधारणा से जुड़े हुए विचारक हैं। फिर यूनान के बाद में रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में विभेदीकरण की नागरिकता पाई जाती है,
विभेदीकरण की नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, विभेदीकरण की नागरिकता पाई जाती है कहां पर? रोमन में। अपन नागरिकता की बात करें तो नागरिकता को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक औपचारिक नागरिकता और एक तांत्रिक नागरिकता। नागरिकता, ये जो सिटीजनशिप है, इसको दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आ गई औपचारिक नागरिकता, औपचारिक नागरिकता, और दूसरी आ जाएगी तात्विक नागरिकता। ऐसे अपन दो भागों में इसे बांट सकते हैं। औपचारिक नागरिकता रोमन काल में प्रचलित थी, और इसमें क्या होता है, जैसे अपन ऊपर ऊपर पढ़ा था, विभेदीकरण होता था नागरिकता का, यानी कानूनी हैसियत के अनुसार नागरिकता प्रदान की जाती थी रोमन काल में, कानूनी हैसियत के अनुसार। और तात्विक नागरिकता का मतलब है कि ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है, उसमें अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, तो अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अपन भारतीय संविधान के संबंध में भी यदि बात करें तो आर्टिकल 19, इसके पहले 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे हर देश अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ विशेष अधिकार देता है। तो नागरिक की जो अवधारणा है वो वर्तमान में किससे संबंधित है? अधिकारों से संबंधित है, जिसको अपन तात्विक न्याय के नाम से जानते हैं। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों में सीधे सीधे अपने सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है। ये थोड़ा सा अपन ने कॉन्सेप्ट समझा था। प्रश्न जो आते हैं वो अब जो पढ़ेंगे वहां से आते हैं। अधिकारों का, नागरिकता के अधिकार, नागरिकता से संबंधित सिद्धांत, ऐसे पॉइंट बना लो आप, नागरिकता से संबंधित सिद्धांत। तो नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, सबसे पहले अपन बात करते हैं नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत के बारे में, नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत के बारे में। उदारवादी सिद्धांत है, इसको विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इससे जुड़ा हुआ जो प्रमुख विचारक है यह है T.H. मार्शल, नाम याद रखना। ये पूछता है कि उनमें से कौन उदारवादी विचारक है? T.H. मार्शल है। T.H. मार्शल की बुक का नाम है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, नोट कर लीजिए आप, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये जो बुक है ये 1950 में आते हैं, 1950 में आई हुई बुक है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास T.H. मार्शल की बुक है। T.H. मार्शल इन जो उदारवादी सिद्धांत है इसको विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, नागरिकता का विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये तात्विक नागरिकता का समर्थन करता है। तात्विक नागरिकता, अपन देख रहे हैं वर्तमान में उदारवादी राज्य हैं, और उदारवादी राज्य अधिकारों की बातें करते हैं, नागरिकों को अधिकार देते हैं, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, जैसे कि अपने बातें की हैं, राजनीतिक अधिकार। तो जब अधिकारों की बातें करते हैं तो कौन सी नागरिकता हो गई? तात्विक नागरिकता हो गई। उदारवादी सिद्धांत का जो विकास हुआ ये स्टार्ट होता है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जब 1215 में अधिकार, नागरिक वो अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जारी कर दिया गया था, तो ब्रिटेन इस सिद्धांत से प्रमुख संबंधित देश है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं सिद्धांत, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है ये सिद्धांत। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट विकासवादी या उदारवादी सिद्धांत से संबंधित T.H. मार्शल ने दिया है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास
इसकी बुक है टीएच मार्शल की। इसे विकासवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये तात्विक नागरिकता से संबंधित है। ब्रिटेन में ये डेवलप हुआ था और उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य जो है, उदार लोकतांत्रिक राज्य हैं वहाँ पर ये वर्तमान में विकसित हो रहा है। देखिए इधर अपन ने विकासवादी सिद्धांत लिखा है, यहाँ पर ये जो विकासवादी सिद्धांत अपन ने लिखा है ये अपने को बता रहा है कि किस तरीके से इसका विकास हुआ। तो इधर देखिए आप कि नाइनटीन्थ सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक नागरिकता की बात होती है, यानी राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। 20वीं सेंचुरी में आते आते सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी दिए जाने लगे, इसलिए इसको विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और इन अधिकारों के ऊपर अपने अधिकार में एक बुक पढ़ी थी वासाक की, कारेल वासाक, कारेल वासाक की एक बुक थी कि थर्ड वेव एंड थर्ड वर्ल्ड, तीन देश और तीन लहरें, जिसमें वासाक ये बताता है कि तीन वेव आई 18th, 19th और 20th, या थ्री वर्ल्ड एंड, इसकी बुक है, सॉरी एक मिनट देखो, इसकी बुक का नाम है कारेल वासा की, इम्पोर्टेंट बुक है। और वो जो बात करता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, ऐसे प्रश्न बनने की संभावनाएं भी होती हैं। इसकी बुक है थ्री वर्ल्ड एंड थ्री राइट्स, तीन दुनिया और तीन अधिकार, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में पहले दुनिया के देश हैं, पहले दुनिया के देश हैं यूएसए और यूके जैसे देश। यहाँ पर राजनीतिक अधिकारों की बातें होती है, कानूनी अधिकार की बात होती है। सेकेंड वर्ल्ड में आता है यूएसएसआर, यहाँ पर सामाजिक, सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स की बात होती है। थर्ड वर्ल्ड में अपन देख सकते हैं जो पर्यावरणवादी हैं, यानी यहाँ पर लैंगिक अधिकारों की मांग होती है, यहाँ पर पर्यावरणीय अधिकारों की मांग होती है, यहाँ पर बहुसंस्कृतिवादियों द्वारा अल्पसंख्यक के अधिकारों की मांग की जाती है। ठीक है, तो ये बुक है वासा की, इम्पोर्टेंट बुक है। वापस नाम बता देता हूँ मैं कि तीन दुनिया और तीन अधिकार, थ्री वर्ल्ड एंड थ्री राइट्स, ये कारेल वासा की बुक है। आगे अपन चलते हैं, नागरिक अधिकारों के बारे में क्या कहते हैं उदारवादी। तो देखिए आपको पता है कि उदारवाद जो है इसका जनक है जॉन लॉक, उदारवाद का जनक है जॉन लॉक, और जॉन लॉक तीन अधिकारों की बात करता है। ये जो तीन अधिकारों की बात करता है ये भी एक प्रकार से नागरिक अधिकार ही हैं। कौन कौन से अधिकार नागरिक अधिकारों में शामिल होते हैं, ये नागरिक अधिकार की बात करते हैं तो कौन से नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन का अधिकार, भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद 21 से कोलेट करता है, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 ऐसे लिख लीजिए आप, अनुच्छेद भी आपको याद हो जाएंगे, व्यवसाय अनुबंध का अधिकार, अंतःकरण का अधिकार आर्टिकल 25 में अंतःकरण का अधिकार। ठीक है, फिर राजनीतिक नागरिकता की बातें करते हैं, ये राजनीतिक अधिकारों की बातें करते हैं, तो राजनीतिक अधिकारों में क्या शामिल होगा, राजनीतिक अधिकारों में अपने को वोट देने का अधिकार, वोट चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने का अधिकार, ये शामिल है। सामाजिक नागरिकता, फिर सामाजिक नागरिकता, तो उदारवादी सामाजिक नागरिकता की बात करते हैं और इससे जुड़े जो विचारक हैं उनके नाम अपन लिख सकते हैं, टी एच ग्रीन। और सामाजिक नागरिकता की बात कब होती है, ये सकारात्मक उदारवाद में होती है, आधुनिक उदारवाद में होती है, चाहे सकारात्मक उदारवाद बोल दो चाहे आधुनिक उदारवाद बोल दो, एक ही बात है। ठीक है,
तो आधुनिक उदारवाद से जुड़े सारे विचार इसमें शामिल हो जाएंगे जो सामाजिक नागरिकता की बातें करते हैं। टी एच ग्रीन इसमें आ जाएगा, जे एस मील, जॉन स्टुअर्ट मील, ब्रेवरिज समिति की रिपोर्ट आई थी 1942 में, ये याद रखना आप, ब्रेवरिज समिति की रिपोर्ट जो कि 1942 में आई थी। ब्रेवरिज रिपोर्ट क्या थी थोड़ी सी अपन चर्चा करें तो 1942 में आई थी और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, एटली जो कि लेबर पार्टी के थे। एटली ये ब्रेवरिज रिपोर्ट में पांच प्रकार की बाधाएं बताई गई थी व्यक्ति के विकास में, पांच प्रकार की बाधाएं, इनको दूर करने की बात थी ब्रेवरिज रिपोर्ट में। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट बनाइए आप, नागरिकता का विरोधाभास, एक अपने पढ़ा था स्वतंत्रता का विरोधाभास, तो नोट लगा करके यहाँ पर उसको भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। स्वतंत्रता की विरोधाभास की बात किसने की थी तो नोट लगा करके लिख लीजिए, स्वतंत्रता का विरोधाभास आपको याद है तो आप बता सकते हैं। वो डिटेल में मैंने समझाया था कि स्वतंत्रता का विरोधाभास की बात कौन करता है, तो स्वतंत्रता की विरोधाभास की बात की है रूसो ने। ठीक है, रूसो स्वतंत्रता के विरोधाभास की बात करते हैं। अब आता है नागरिकता का विरोधाभास, ये यूं कहें कि ये बात नहीं करते हैं, ये दिखाई देता है और इससे प्रश्न भी आता है, वैसे मैच भी करवाता है ये। तो नागरिकता का विरोधाभास, अंतर्द्वंद बोल सकते हैं आप, और इस किसके विचारों में देखने को मिलता है तो उदारवादी विचारक जिसका नाम अपन ने पढ़ा है टी एच मार्शल। मार्शल तीन अधिकारों की चर्चा करता है जो अभी अपन ने देखी है, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, इनकी चर्चा भी करता है मार्शल। तो ये मार्शल के विचारों में नागरिकता का विरोधाभास देखने को मिलता है। टी एच मार्शल की बुक का नाम अपन ने देखा है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 में ये बुक आती है, नाम लिख लीजिएगा वापस, यदि नहीं याद है तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ना उतना ही अच्छे से याद होता जाएगा। कैसे इसके विचारों में विरोधाभास है तो देखिए, पूंजीवाद जो है ना, एक तरफ तो है इधर पूंजीवाद और पूंजीवाद जो है ये पूंजीवाद व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात करता है, यानी सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात पूंजीवाद नहीं करता है। ठीक है, तो पूंजीवाद सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात नहीं करता है, जबकि नागरिक जो होते हैं, नागरिक जिन अधिकारों की मांग करते हैं, ये मांग करते हैं पुनर्वितरण की। पुनर्वितरण का मतलब है, पहले के कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें समझाई, यदि आप पहले की वीडियोस देखेंगे, पहले की क्लासेस देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले के जो जो पुनर्वितरण का मतलब होता है कि जिनके पास में पहले से कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त है तो वे अपने अधिकारों का पुनर्वितरण करें, यानी समाज में ऐसे तबके को दे दें जिनको ये चीज़ें प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पुनर्वितरण की बातें हो रही हैं और पूंजीवाद ये पुनर्वितरण नहीं चाहता है। जैसे नोजिक, बर्लिन, हेयर, फ्रीडमैन, ये जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं ये कभी नहीं कहते हैं कि पुनर्वितरण किया जाए, जबकि समतावादी हैं ये पुनर्वितरण की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नागरिकता का विरोधाभास देखने को मिलता है टी एच मार्शल के विचारों में, क्योंकि पूंजीवाद से संबंधित जो अधिकार हैं ये हैं राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इनकी बातें करते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद जो है ये राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, ये कानूनी अधिकारों की बात करता है, विधिक अधिकारों की बात करता है, जबकि नागरिक पुनर्वितरण है ये सामाजिक अधिकारों की बात करता है, ये आर्थिक अधिकारों की बात करता है। तो दोनों में विरोधाभास देखने को मिलता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे अपन पढ़ेंगे, हैबरमास भी ऐसी बात करता है, उसकी बुक है लेजिटिमेसी क्राइसिस, उसमें भी वो ऐसी बातें करता है। फिर देखिए उदारवादी विचारधारा में और अपन बात करें तो स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत को पढ़ सकते हैं, नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, स्वेच्छातंत्रवादी
स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत। अब स्वेच्छा तंत्रवादी विचारें तो आपको अब तक याद हो चुके होंगे, ये तो चार पांच नाम है, नोजिक, बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन, ये प्रमुख स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं। अब ये जो स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक है ना, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नागरिकता, इन जो नागरिक हैं इन्हें इन्हें पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, खुला छोड़ देने की बात करते हैं, इन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं, पुनर्वितरण का विरोध करते हैं, पुनर्वितरण नहीं चाहते हैं नोजिक। ये विचारक हेयक, हेयक विकल्प की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। विकल्प की स्वतंत्रता क्या होती है, देखो ये मैंने बता दिया है स्वतंत्रता के टॉपिक में, आपको वो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है ये क्लास। तो हेयक है वो विकल्प की स्वतंत्रता की बात करता है, राज्य के नागरिक नहीं क्लाइंट हैं, सेवार्थी हैं, राज्य के जो नागरिक हैं ये इनको क्लाइंट बोलते हैं, ये स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, ये क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट का मतलब है कि सेवार्थी है राज्य के नागरिक, राज्य के नागरिक सेवार्थी हैं, ऐसा इनका मानना है स्वेच्छा तंत्रवादियों का। फिर आता है नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत, नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत, समुदायवादी जो कि समुदाय को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं वो समुदायवादी विचारक हैं। और प्रमुख समुदायवादी विचारकों की यदि अपन बात करते हैं तो प्रमुख समुदायवादी विचारकों में माइकल वोल्जर, माइकल सेंडल आप लिख लीजिए नाम, वोल्जर, सेंडल, मैकिंटायर, मैकिंटायर, चार्ल्स टेलर, एक ही एक और विचारक है अमिताई एटीजियोनी, मुझे इग्नू की बुक में इसका नाम मिला था, अमिताई एटीजियोनी, ये प्रमुख समुदायवादी विचारक हैं। समुदायवादी जो कि समुदाय का हित चाहते हैं, ये कौन सी नागरिकता की बात करेंगे, ये तात्विक नागरिकता की बात करेंगे, यानी ये किसको इम्पोर्टेंस देंगे, ये सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार हैं इनको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि समुदायवादी यदि सामाजिक आर्थिक अधिकारों को महत्व दे रहे हैं तो राजनीतिक अधिकारों को इनकार नहीं, इनकार कतई नहीं रहे हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंट नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत, एक तो उनके विचारक याद रखना आप, ठीक है ना, विचारकों को पूछता है। बहुलवादी सिद्धांत की अपन बात करें तो बी एस टर्नर, टर्नर और डेविड हेल्ट, डेविड हेल्ट, और इसका जो प्रतिपादक है ना मुख्य वो बी एस टर्नर है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी कंफ्यूज क्रिएट कर देता है जब ये प्रश्न आता है। तो बी एस टर्नर इसका प्रतिपादक है इस सिद्धांत का, बहुलवादी सिद्धांत का, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का। और प्रश्न आ जाए कि नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है, तो टी एच मार्शल जुड़ा हुआ है,